हिंदू धर्म को बोलते हैं श्रुति स्मृति पुराणोक्त। इसका अर्थ क्या हो गया? श्रुति में सिद्धांत है, जीवन को तत्वज्ञान की बैठक आवश्यक है। बिना तत्वज्ञान के अधिष्ठान के कोई धर्म निर्माण नहीं हो सकता। सो श्रुति माने हमारे वेद है, उपनिषद है, वेदांत जिसे बोलते हैं, ये सिद्धांत रूप है जिसका अधिष्ठान हमारे धर्म को है। स्मृति ग्रंथ इसका अर्थ है कायदे कानून के ग्रंथ। समझ में आ गया? अब जैसे लॉ के ग्रंथ रहते हैं, किताबें रहती है, उसी पर न्यायालय का काम चलता है, उसी तरह प्राचीन भारत में जो कायदे कानून के ग्रंथ थे उसे बोलते थे स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ के तीन कार्य है, मानव की सोच यानी विचार कैसे होनी चाहिए, उस विचार के हिसाब से उसका आचार कैसा होना चाहिए। अगर वो आचार में स्खलित हो गया और लक्ष्मण रेखा उसने क्रॉस कर दी, नीति को अनीति के रूप में बदल दिया, तो उसके लिए कौन सा कठोर शासन होना चाहिए यानी प्रायश्चित होना चाहिए, ये तीन बातें स्मृति ग्रंथ ने बोल दी है। अब मनुस्मृति के बारे में, वो तो प्रधान है, हमारे राष्ट्र में 250 से भी ज्यादा स्मृति ग्रंथ लिखे गए, लेकिन सबका मूल स्रोत है तो मनुस्मृति है। अब मनु एक राजर्षि थे। बहुत गलत फहमी है मनुस्मृति के बारे में, बहुत से लोगों को लगता है कि वो ब्राह्मण ने लिखी है, ये पहली गलत फहमी है। मनुस्मृति के लेखक निर्माता ब्राह्मण नहीं थे, वे थे क्षत्रिय। आधुनिक भाषा में मराठी, महाराष्ट्र में बोले तो मराठा कम्युनिटी के थे, एक क्षत्रिय थे। उन्होंने मनुस्मृति लिखी है, ना तो किसी ब्राह्मण ने। तीसरी गलतफहमी ये है कि सबको लगता है कि ब्राह्मण को बढ़ावा देने के लिए, केवल ब्राह्मण का सम्मान करने के लिए मनुस्मृति की निर्मित है, बिल्कुल नहीं। बस एक ही उदाहरण आपको बोल देता हूं, आपके समझ में आएगा कि एक ही प्रमाद शूद्र ने किया और ब्राह्मण ने भी किया। समझिए कि चोरी की है, शूद्र ने की है और ब्राह्मण ने भी की है, तो स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति बोलती है कि शूद्र को एक कोड़ा मारो और ब्राह्मण को 128। ब्राह्मण के लिए बहुत निर्बंध है, संग्रह उसके लिए उचित नहीं है। हमारे स्मृति ग्रंथ बोलते हैं कि ब्राह्मण ज्ञान से बड़ा हो जाता है, क्षत्रिय सत्ता से बड़ा बनता है, वैश्य धन से बड़ा बनता है और शूद्र जन्म से ही बड़ा रहता है, जन्म लेते ही वो बड़ा है। तो बहुत सी गलत फहमियां मनुस्मृति के बारे में है। मनुस्मृति एक लॉ का ग्रंथ है, जैसे हमारे लॉ के ग्रंथ में बहुत से अमेंडमेंट्स आते जाते रहते हैं, ठीक है ना, वो तो आने ही चाहिए, क्योंकि समाज की रचना 2-3 पीढ़ियां निकल गई तो बिल्कुल बदल जाती है। हमारे काल में हम जब पढ़े उस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिल्कुल थी ही नहीं। आज स्कूल जाने वाला छात्र भी वो करण पिशाचिनी अपने पास रखता है जिसे हम मोबाइल बोलते हैं, ठीक है ना, कर्ण पिशाच, कर्ण से बार बार लग गए, वो कुछ बातचीत करते हैं ना, तो मैं उससे तो कर्ण पिशाच बोलता हूँ। तो अभी छात्र भी छोटे छोटे रखते हैं अपने पास, इतना बदलाव हमारे समाज में आ गया है, गतिमान हो गया मानव का जीवन। लेकिन मूलभूत जो सिद्धांत है मनुस्मृति के, वे वैसे ही वैसे रहेंगे। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, गुरुजनों के प्रति मन में बहुत श्रद्धा होनी चाहिए, कुटुंब व्यवस्था आदर्श होनी चाहिए, दान देना चाहिए, ऐसे जो मूलभूत सिद्धांत है वो कालातीत है, स्थलातीत है, उसको कभी बदला नहीं जा सकता कि बड़ों का आप सम्मान करें। और जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इसमें क्या बदलाव आएगा? सत्यम वद धर्मम चर, ये मूलभूत सिद्धांत है हमारे धर्म के और तत्व ज्ञान के, इसमें कुछ बदलाव नहीं आने वाला। फिर भी मैंने जैसे बोल दिया कि 2-3 पीढ़ियों के बाद समाज रचना पूरी बदल जाती है। इसी के कारण हमारी ये धारणा है कि प्रत्येक 100 वर्ष के बाद नई स्मृति आनी चाहिए। अब 1400 वर्ष चले गए आक्रमण के कालखंड में, स्थिति ऐसी थी
कि शायद ये राष्ट्र मर भी जाता, तो उसी काल में आक्रमण काल में नई कोई स्मृति नहीं बनाई गई। तब आवश्यकता अभी आ पड़ी है कि नया स्मृति ग्रंथ बनाना पड़ेगा। शहर का जो वातावरण है, चाल चलन है, वहां का जीवन की पद्धत है, वो बिल्कुल अलग है ग्रामीण जीवन से। उनके लिए अलग हिसाब से कुछ बोलना चाहिए, नागर जीवन तो बिल्कुल अलग है। जैसे कि पुणे है हमारा, पुणा, इंदौर है आपका, बंबई है, जितने महानगर है हमारे राष्ट्र में, वहां के जीवन एक शैली है, वो ग्रामीण क्षेत्र से बिल्कुल अलग है। उनके लिए एक अलग नियम बनाने चाहिए। तो इसके कारण आज साइंस टेक्नोलॉजी, ये पूरा विश्व छोटा बन गया है। जैसे हम बोलते हैं ग्लोबल विलेज, वसुधैव कुटुंबकम, छोटा। कम्युनिकेशंस के इतने साधन आ गए, पिछले दिनों तो छकड़ा चलता था, बैल चलाते थे, उससे क्या था, एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए इतना समय लगता था। अब मैं पुणे से निकले तो 55 मिनट में इंदौर आ सकता हूँ। पहले तो इसे आने में बहुत 2-3 दिन निकल जाते थे। टेली कम्युनिकेशन ने पूरा विश्व जोड़ दिया है। तो जीवन शैली इतनी बदल चुकी है अभी, पर्टिकुलरली इन द सिटी एरिया, टाउनशिप बिल्कुल बदल गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र, ऑफिस एरिया, अभी तक 80% वैसे की वैसा है। तो 100 वर्ष के बाद मनुस्मृति का होना अनिवार्य है। अच्छा, इसको कौन स्वीकार करेगा? तो मैंने बहुत से आचार्य पीठ से बातचीत की है, वार्तालाप किया है, उनका मार्गदर्शन भी ले लिया है। हमारे राष्ट्र में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके जो नेतृत्व में लोग हैं उनके साथ भी कुछ चर्चा की है। तो यह भी अनिवार्य है कि जीवन शैली इतनी बदल गई है तो मनुस्मृति का नवनिर्माण करना ही चाहिए। कुछ हिसाब किताब ऐसी अभी रखनी चाहिए कि अब तो पहले देखिए, जब ब्याह होता था तो 10-15 दिन, 2-3 महीने भी लोग आकर आराम से एक यजमान के घर में रहते थे। अब आधा दिन भी नहीं निकाल सकते, इतनी जीवन शैली बदल चुकी है। ब्याह को आते हैं तो मंगल कार्यालय में आते हैं और खाना खा के चले जाते हैं, घंटे 2 घंटे की बात बन गई। अभी पहले जैसे कुछ नहीं रहा है, जीवन शैली आमूलाग्र बदल चुकी है। तो इसकी हिसाब से सुतक जग, सोयर सुतक बोलते हैं, किसी की मृत्यु हो गई घर में तो उसे सुतक बोलते हैं, नया कोई जन्म हुआ घर में तो उसे सोयर बोलते हैं। अभी जो मनुस्मृति ने बोल दिया है स्मृति ग्रंथन में, अभी उसका आचरण नगरों में उसका पालन करना बहुत कठिन है, और इसके लिए नगरों की जीवन शैली ध्यान में लेकर एक अलग स्मृति ग्रंथ बनाने की बहुत आवश्यकता है। अब मीडिया इतना बदल चुका है, डिजिटल ने इतनी क्रांति कर दी है, इतने चैनल्स 24 तास चलते ही टीवी स्क्रीन पे, बच्चों का आकर्षण बिल्कुल अलग हो गया है, विजुअल मीडिया बिल्कुल बदल गया है, शिक्षा पद्धति बदल गई है। उनके हिसाब से एक नया आचरण का ग्रंथ निर्माण करने की अनिवार्यता इस काल